राख की रस्सी। लोनपो गार तिब्बत के 32वें राजा सोनग वसेन गांपो के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता न था। चैन से जिंदगी चल रही थी, मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था, उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। कारण ये था कि वो बहुत भोला था। होशियारी उसे छू कर भी नहीं गई थी। लोनपो गार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। एक दिन लोनपो गार ने अपने बेटे को 100 भेड़े देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं, इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ। क्यों 100 बोरे? वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। मगर मैं ये सब कैसे? अच्छा, इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। लोनपो गार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहां थे। वो इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया। क्या करूं, अब कहां से लाऊं मैं इतने बोरे? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मगर कोई हल उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था। वो बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। कौन? क्या बात है? तू इतने दुखी क्यों हो? वो लोनपो गार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। अब मैं क्या करूं? इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं। हा? मैं इसका हल निकाल देती हूँ। सच? हाँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। जो रुपए मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीदकर उसे घर वापस भेज दिया। ये लो। अरे, इतने बोरे? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। हाँ।
चल 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 बेटा चल चल। लोनपो गार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आपबीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ। दोबारा? हाँ, उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। फिर 100 बोरे? हाँ जी, अच्छा ठीक है। एक बार फिर निराश लोनपो गार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। न जाने क्यों उसे यकीन था कि वो लड़की उसकी मदद के लिए जरूर आएगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, वो लड़की आई। अरे आ गई तुम? अरे तुम? उससे उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। अब तो बिना जौ के 100 बोरों के मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। लड़की सोचकर बोली, हाँ एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट लिए। उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे 100 बोरे जौ खरीदे। बोरे लोनपो गार के बेटे को सौंप कर लड़की ने उसे घर भेज दिया। भेड़े और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपो गार का बेटा खुश था। उसने विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई। सुनकर लोनपो गार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दे। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। हाँ? लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी बना तो दूंगी। क्या? हाँ, मगर तुम्हारे पिता को वो गले में पहननी होगी। हाँ गले? लोनपो गार ने सोचा, ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है। इसलिए लड़के की शर्त मंजूर कर ली। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर की सिल पर रखा और जला दिया। रस्सी जल गई, मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। इसे वो सिल समेत लोनपो गार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। ये लीजिए,
राख की रस्सी। लोन बोगार रस्सी देखकर चकित रह गए। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है। हाथ लगाते ही वो टूट जाएगी। लड़के की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। बिना वक्त गंवाए लोन पोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। क्यों बोलो? राख की रस्सी। आओ बच्चों, अब इसी पाठ को अपनी पाठ्य पुस्तक से पढ़ते हैं। लोनपो गार तिब्बत के 32वें राजा सोनग वसेन गांपो के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता न था। चैन से जिंदगी चल रही थी। मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था, उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। कारण ये था कि वो बहुत भोला था। होशियारी उसे छू कर भी नहीं गई थी। लोनपो गार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा? एक दिन लोनपो गार ने अपने बेटे को 100 भेड़े देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं, इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ। क्यों? 100 बोरे? वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। मगर मैं ये सब कैसे? अच्छा, इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। लोनपो गार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहां थे। वो इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया। क्या करूं? अब कहां से लाऊं मैं इतने बोरे? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मगर कोई हल उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था। वो बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। कौन? क्या बात है?
तुम इतने दुखी क्यों हो? वो लोनपो गार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। अब मैं क्या करूं? इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं। मैं इसका हल निकाल देती हूँ। आप पढ़ रहे थे कक्षा 5 NCERT हिंदी पाठ 1 राह की रस्सी। आइए बच्चों, अब कुछ नए शब्द जानते हैं। लोनपो गार, मंत्री, सोनक वसेन, राजा, होशियार अर्थात समझदार, प्रसिद्ध मशहूर, समस्या परेशानी, रवाना भेजना, हाल अर्थात दशा। अब पाठ से प्रश्न गृह कार्य हेतु, इन्हें अपनी अभ्यास पुस्तिका में करें। प्रश्न 1, तिब्बत के 32वें राजा कौन थे? प्रश्न 2, लोनपो गार किस लिए प्रसिद्ध थे? प्रश्न 3, लोनपो गार क्यों चिंतित थे? प्रश्न 4, लोनपो गार ने अपने बेटे को 100 भेड़े देकर क्या आदेश दिया? प्रश्न 5, शहर में लोनपो गार के बेटे की मदद किसने और कैसे की? प्रश्नों के उत्तर अपनी पुस्तिका में लिखें। परियोजना कार्य। राख की रस्सी एक तिब्बती लोक कथा है। लोक कथाएं किसी क्षेत्र में सुनाई जाती हैं। क्या आपके क्षेत्र में भी कोई लोक कथा सुनाई जाती है? कोई एक लोक कथा खोज कर लिखें। इसमें आप अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी या किसी अन्य की सहायता ले सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से भी आप ढूंढ सकते हैं तथा इसका वीडियो बना करके भी आप अपने शिक्षक को भेज सकते हैं।